अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आप लोग के लिए आज बहुत स्टाइलिश सी पोनी टेल हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इजी टेक्निक साथ में शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी व्यूअर्स, आप लोग सबसे पहले तो वी शेप में इसका जो है पार्टीशन करना है, इस तरीके से टू में आप डिवाइड करेंगे। यहाँ से आपने इस तरीके सेक्शन करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे हाथ रखवा लें टाइट से, अगर आपके पास लॉन्ग क्लिप है तो आप वो भी रख सकते हैं, बट लॉन्ग क्लिप से बहुत ज़्यादा अच्छे से फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम आपने सेक्शन यहाँ से भी करना है, ठीक है। इस तरीके से शेप में बोथ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ हेयर्स को सुलझाना है, फिनिशिंग के साथ आपने अपना हेयर डू करना है, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हेयर अपने पार्टीशन करना है। देन आप क्या करेंगी, दोनों साइड से आप हेयर्स पर अच्छे से हैंड्स को फिक्स करवा लेंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रेड बनाएंगी। ब्रेड आपने फ्रंट से बनानी है, ठीक है। इस तरीके से सेक्शन लेना है, हेड बैक साइड पे डाउन करवा लें। आपने थ्री सेक्शंस करने हैं, आप उल्टी फ्रेंच बनाएंगे। एक हम इस तरीके सीधी बनाते हैं, अब हम एक उल्टी बनाते हैं। हमने उल्टी फ्रेंच बनानी है, फिंगर्स पे फोकस करिएगा, एडजस्टमेंट पे फोकस करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने लेना है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आपने इसको इस तरीके से आपने फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करना है। बहुत ईजी ब्रेड है ये और बहुत स्टाइलिश लगती है पोनी टेल में। आपने इसको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ बनाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छे से ग्रिप पकड़ी हुई हूँ हेयर्स की, ताकि हमारे हेयर्स जो है फिनिशिंग के साथ बने। इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए, इस तरीके से आपने बनाना है। न्यू से न्यू हेयर स्टाइल्स मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग सीख सकें। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि कोई भी टेक्निक आप मिस ना करें। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे आप लोग की अप्रिसिएशन मिलती रहे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करते हुए पूरी ब्रेड डन करनी है। इस साइड से भी आपने लेना है, ठीक है। आपने इसको यहाँ ला के डन करना है, ठीक है। यहाँ हमारी एंड हो गई है, अब हमने इसको यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पिंस को अच्छे से क्रॉस में फिक्स करना है, ठीक है। ये देखें, अब आप क्या करेंगी, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है हम यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके स्ट्रेट आप लेकर आएंगी, ठीक है। और फ्रंट से आप एक लेयर निकाल देंगी, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से स्ट्रेट में एडजस्ट करना है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन को डिवाइड करेंगे टू सेक्शंस में, ठीक है। बोथ साइड्स हम डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे पोनी बनाएंगे हाई, ठीक है। फिनिशिंग के साथ हमने बनानी है, आपने इस तरीके से हाई पोनी बनानी है, ठीक है। रबर बैंड की हेल्प से आपने बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हाई पोनी आप बनाएंगी। हमने पोनी बना ली, अब हमने क्या करना है, फ्रंट पे जिस तरीके से मैंने हेयर्स आपको बताया था, छोटे वाले हेयर्स मैंने फ्रंट पे छोड़ दिए थे। अब हम इसको फिनिशिंग के साथ यहाँ पे इस तरीके से लेकर आएंगे, और इसको हमने इसके अराउंड इस तरीके से फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखें, आपने इसको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप पोनी के इसमें हेयर पिन की हेल्प से आप इसको फिक्स करेंगी। आपने इसको अच्छे से यहाँ से इसको इस तरीके से फ़िक्स करना है, ताकि हमारा हेयर स्टाइल यहाँ से फ़िक्स हो जाए, ये लूज़ नहीं हो, ठीक है। सेम आपने यहाँ से फ्रंट पे एक लेयर निकालनी है, और ये वाले हेयर को फिनिशिंग के साथ आपने सेम मेथड से आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लेकर आएंगी, और इधर भी आप इसको पिन की हेल्प से एडजस्ट कर देंगी, ठीक है। ये देखें इस तरीके से कुछ। व्यूअर्स, हमारा हेयर स्टाइल फ्रंट से डन हो चुका है, अब हमने पोनी में कर्ल्स देने हैं, ठीक है। हम वेव्स डालेंगे, बहुत हमें ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए। वेव्स हमने कैसे इसमें करने हैं, हम एक तो रॉड की जो पोजीशन होती है वो हम इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। हम वेव्स डालने के लिए रॉड की पोजीशन ऐसे नहीं रखते, हम रॉड को इस तरीके से डाउन साइड से हेयर्स को ऊपर की साइड से लेकर आते हैं, और इसको ट्विस्ट करते हुए एडजस्ट करते हैं पूरा इस तरीके से, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आपने इसको ट्विस्ट करना है, आपने इसको स्टीम में अच्छे से करके इसको आपने इसको लूज ऐसे निकालना है। ये देखें इस तरीके से आप सारे वेव्स डालें, क्योंकि हम पोनी टेल बना रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कर्ल्स अच्छे नहीं लगते। आपने सब कर्ल्स को इसी तरीके से कर ले मेथड से सारे कर्ल्स करने हैं, इस तरीके से वेव्स आपने करने हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत आजकल वेदर भी आपको पता है समर है, और उसमें हमें जो है पोनी टेल हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से आपने इसको रखना है, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए आपने पूरा एडजस्ट करना है। फिनिशिंग के साथ आप इसको बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल से हमारे वेव्स हमने डाले हैं, और कितना अच्छा लुक आ रहा है, बहुत नेचुरल सा लुक है। फ्रंट से भी आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। आप इसकी ब्रेड चेक कर सकते हैं, इसका लुक कितना फिनिशिंग से हमारा आ रहा है। आज का हेयर स्टाइल आप लोग को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।